दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक। सो गाइज, मी बैंड 4 के बाद मैं आपके लिए ले आया हूं Redmi के एयर डॉट्स इंडिया में, यानी कि इंडिया में आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। तो सेलर सेम है और ये चाइना से शिप किया हुआ यूनिट है, इसलिए आपको पीछे में चाइनीज लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी ग्लोबल वर्जन अभी तक मार्केट में आया है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चाइना वर्जन है या ग्लोबल वर्जन। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि असली और डुप्लीकेट की पहचान कैसे होगी जब आप इसको परचेस करेंगे, क्योंकि इसका डुप्लीकेट वर्जन भी बहुत जगह मिल रहा है और बहुत कम दाम में मिल रहा है। बट यार, वो डुप्लीकेट है, फर्स्ट कॉपी है, पहचानना थोड़ा मुश्किल है, बट पहचान सकते हो आप। सबसे पहली चीज़, जब आप ये परचेस करोगे, नीचे की लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी हुई है वहाँ से, तब आप ध्यान रखना कि इसका जो सील है वो लॉक्ड हो। जैसा कि आप अभी देख सकते हो, सील मैंने अभी आपके सामने इसकी खोली है। उसके बाद जैसे हम लोग बॉक्स के बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको एयर डॉट का यूनिट देखने को मिलेगा ब्लैक कलर में। ये फिलहाल सिर्फ ब्लैक कलर में ही आता है और लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है वेबसाइट वालों के पास, तो आपको अगर लेना है तो जल्दी करना। एक यूज़र मैनुअल है और ऊपर में आपको एयरबड्स का एक पैकेट मिल जाता है। मतलब ये है कि इसके अंदर आपको ना कोई अडेप्टर मिलता है, ना कोई डेटा केबल मिलता है चार्ज करने के लिए। नॉर्मल शाओमी के चार्जर और डेटा केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले शीट पर सब कुछ जो है चाइनीज़ में लिखा हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर एक और सील लगी हुई है, इसे हटा देते हैं। ऊपर में आपको Redmi का लोगो मिलेगा। अगर आपको कहीं पर MI का लोगो मिलता है तो समझ जाना वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। नीचे में जो है आपको चाइनीज़ और नंबर का जो है कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे कि पहचान हो जाएगा ये चाइनीज़ यूनिट है। अगर नीचे में आपको सब कुछ इंग्लिश में या सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ मिलता है तो समझ जाना कि वो डुप्लीकेट है। बॉक्स खोलने के बाद आप देखोगे कि ये 90 डिग्री ओपन होता है, ना 80 डिग्री, ना 120 डिग्री। तो ये भी पहचान है ओरिजिनल की, क्योंकि जो डुप्लीकेट होगा वो जो है या तो कम खुल जाएगा या ज़्यादा खुल जाएगा। अब यहाँ पे देख लो छोटे छोटे एयर डॉट्स, जिसकी कि बैटरी मतलब बहुत चलती है। साथ साथ यार, ये इसी जो डिवाइस है इसका रखने का बॉक्स है, इसी के अंदर रख के ये चार्ज भी होता है, ये इसकी एक और जो है अच्छी बात है। और ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन है, तो इसमें कोई तार वार का झंझट है नहीं, एक बार चार्ज कर लो लेके निकल जाओ। और इसका जो मैग्नेट है वो काफ़ी स्ट्रांग है ओरिजिनल का, ये भी एक पहचान है। और जैसे ही आप इसको इसके बॉक्स में प्लग करोगे, ये ऑटोमेटिकली चार्ज लेना स्टार्ट हो जाएगा। बट डुप्लीकेट वाला जो है उसको हिलाना पड़ता है चार्ज करने के लिए। पीछे साइड में आप देख सकते हो चार्जिंग पोर्ट है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि नॉर्मल जो आपका चार्जर है उसी से ये चार्ज हो जाएगा, कोई फर्दर एडिशनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आओ, देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे एयर डॉट्स। इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो जहाँ पे इसमें चार्जिंग का हिस्सा है उस पर एक लेमिनेशन लगी हुई है, ये भी ओरिजिनल का पहचान है कि भाई वो ओरिजिनल है और यूज़ नहीं किया हुआ है। सो गाइज, मैं दिखाता हूँ कि ये चार्ज कैसे होता है। एक और ओरिजिनल होने की जो पहचान है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी। जैसे ही आप इसको चार्जिंग में लगाओगे, इसमें एक रेड कलर की लाइट जो है ब्लिंक होगी, पीछे साइड में ब्लिंक नहीं होगी, एक्चुअली जस्ट ऑन हो जाएगी, एकदम डीम सी रेड रंग की लाइट। अगर ये ब्लिंक करती है या ये किसी और कलर की होती है तब आप समझ जाना कि ये डुप्लीकेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एयर डॉट्स की ओर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एयर डॉट है, मैं इसको बाहर निकालता हूं। ओके, और इस पर जो लेमिनेशन थी वो मैंने हटा दिया है, और ये फ्रंट पर जो लेमिनेशन है इसको भी मैं फिलहाल हटा देता हूं, ताकि हम लोग इसका और जो है क्लोज लुक देख सके। सो गाइस, जैसे ही मैंने कहा था कि जैसे ही आप इसको इसके अंदर रखोगे ये चार्ज लेना जो है स्टार्ट कर देगा। ये भी एक पहचान है ओरिजिनल की, ओरिजिनल वाले को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने बॉक्स के अंदर रखना है और चार्जिंग जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें भी रेड कलर की लाइट ब्लिंक करेगी, और जब ये चार्ज हो जाएगा तो लाइट्स ऑफ हो जाएगी। ओके, कनेक्ट कैसे करना है ये एक सवाल है। तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, दोनों ही अलग अलग कनेक्ट होगा, एक साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसे ही हमने बाहर निकाला, इसने ब्लूटूथ सर्च करना चालू कर दिया। ब्लूटूथ 5.0 की टेक्नोलॉजी पे आता है, जिसके कारण जो है इसका कनेक्शन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। ऐसा वो लोग दावा करते हैं कि 1 सेकंड में कनेक्ट होता है, बट देखते हैं कि क्या होता है। यहां पे आप देख सकते हो मेरे फोन में आ गया Redmi Air Dot R। ठीक है, सो इसे देखते हैं। पेयरिंग स्टार्ट हो चुका है यहां पर, और पेयर ओके। तो जैसा कि आपने देखा ये वन टच में कनेक्ट हो गया, सच में वन टच में कनेक्ट हुआ। और यहां पर देखोगे आप, मैं आपको ओरिजिनल होने का एक और पहचान दिखाऊंगा कि जो ओरिजिनल यूनिट होगा उस पर जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो यहां पर SBC लिख के आएगा। ये पहचान है कि ये ओरिजिनल है। साथ ही साथ आप इसके अंदर जो है देख सकते हैं बैटरी कितना परसेंट चार्ज है, एक्टिव है कि नहीं है, और इससे आप कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो,
मीडिया सुन सकते हो, कुछ भी जो है सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात साउंड्स चेक करने की, तो इससे आप वॉल्यूम को तो कंट्रोल नहीं करते हो, कर सकते हो, बट इस पर टैप करके फोन रिसीव कर सकते हो। मैं एक वीडियो प्ले करता हूं, जो कि मैं वीडियो यहां पे यूट्यूब पे नहीं दिखाऊंगा, मतलब आपको नहीं दिखेगा, साइड से मैं प्ले करता हूं, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग सुनेंगे कि कैसा साउंड आता है। वैसे मेरे कान में तो बहुत अच्छा साउंड आता है, बहुत ज्यादा मतलब हेवी साउंड आता है, लेकिन जो वो साउंड है वो मैं आपको नहीं सुना सकता हूं। सो गाइज, अगर आपको शायद आवाज आ जाए, बट मुझे आ रही है, और एयर डॉट से बाहर तक आवाज आ रही है, आप सुन लो। पता नहीं आपको आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची, बट इसका साउंड जो है बहुत बेहतरीन है। अब अगर आपको ये छोटे छोटे एयर डॉट्स लेने हैं तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप पूछोगे यार इसके बारे में और मैंने स्पेसिफिकेशंस नहीं बताया, तो फिलहाल जो है मेरी टेस्टिंग चल ही रही है। कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये 5 वोल्ट सपोर्ट करता है, 1.5 एम्पेयर से चार्ज होगा, ठीक है, और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 100 एम्पेयर की है, और बैटरी बैकअप कितने घंटे चलता है और ये कितने घंटे में चार्ज होता है, इन सब चीजों को लेके फुल रिव्यू के साथ मैं जल्दी आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स की वीडियो मिस कर देंगे, और ये आपको इंडिया में मिलेगा, ठीक है। इंडिया में विद इन अ वीक डिलीवर होगा, जैसे ही आप बुक करोगे 24 आवर्स में जो है ऑर्डर शिप हो जाएगा।